नमस्कार। मालदीप सरकार गठन होगा मात्रे चीन समर्थक मोहम्मद मुइजु आरंभ करते भारत प्रति कठोर मनोभाव प्रदर्शन। भारत को विरोध करिबा वर्तमान मालदीप सरकार मोहम्मद मुइजु को प्रत्येक दिगर भारी पड़ा। अर्थनैतिक सामुख्य एक बड़ असुविधार सम्मुखीन होगापर वर्तमान मोहम्मद मुइजु निज सरकार उपरे देखाई संकट। चीन समर्थन से भारत सहित तो प्रतिद्वंदिता करिबारे दिग देखापे, किंतु घर मटी में एसबू को सामना करने पड़े महंगा, जहाँफल मालदीप मोहम्मद मुइजु सरकार समस्या दिन को दिन बढ़िवे लगी। देश में पिस्थित एपरी होते क्यों मुहूर्त सरकार भांगिजी कहीना ठिकना समय को अपेक्षा करशाई विरोधी। समय आसिले मोहम्मद मुइजु सरकार विरोध में अणाजी एक अविश्वास प्रस्ताव। बास्तव में मोहम्मद मुइजु सरकार मतभेद हेतु रविवार दिन शासक दल और विरोधी सांसदों मध्य संसद होता संघर्ष। संसद में संघर्ष पर लगातार मोहम्मद मुइजु सरकार आक्रमण करुछंती विरोधी माने। मुख्य विरोधी दल मालदीप डेमोक्रेटिक पार्टी तथा एमडीपी मोहम्मद मुइजु विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पर चल सब प्रकार प्रस्तुति। संसद में उत्तेजना परे करा जाए थी एही योजना। डेमोक्रेट्स को सह मालदीप डेमोक्रेट पार्टी एही प्रस्ताव पर हासिल करिछि आवश्यक समर्थन। यहाँ वर्तमान विरोधी एकता को दृष्टि में रखी मोहम्मद मुइजु सरकार संकट दूर करिबा सहज होबना बोली करा जाउछि आशंका। मालदीप विरोधी दल नेता माने वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु को भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निकट में क्षमा मागिबा को देइछंती परामर्श। मालदीप जामहरी पार्टी नेता कासिम इब्राहिम मोहम्मद मुइजु को कहते जे से भारत सह संपर्क को सुदृढ़ करने को चेष्टा करवा उचित। से कहते जे चीन गस्त पर बृत्ति राष्ट्रपति भारत एवं प्रधानमंत्री मोदी को क्षमा मागिबा उचित, कारण भारत विरोधी मनोभाव मालदीप को पहुंचाइबा केवल क्षति। धन्यवाद।